हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज का हमारा कंटिन्यू टॉपिक्स ऑफ नी जॉइंट के लिगामेंट्स। सो पहले हम पढ़ेंगे टीबियल कोलैटरल। सी, मैं आपको फिगर में बताता हूँ, ये है टीबियल कोलैटरल लिगामेंट, दिस वन। ओके, सो ये लॉन्ग बैंड होता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और ये ऊपर की साइड मीन सुपीरियर साइड ये अटैच होता है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, और इन्फीरियरली मीन्स नीचे की साइड ये टू डिवीजन फॉर्म करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर मीन्स आगे एंड पोस्टीरियर मीन्स पीछे की साइड। एंटीरियर साइड ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 1.25 सेंटीमीटर ब्रॉड, मीन्स लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर होती है और ब्रॉडनिंग इसकी 1.25 सेंटीमीटर होती है, और ये सेपरेट करता है कैप्सूल बाय बर्सा, जो टू बोन्स बोन्स के पास जो प्रेजेंट होते हैं वो बर्सा, और ये कंटेन करता है इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर वेसल्स एंड नर्व्स। और ये पोस्टीरियर साइड मीन्स पीछे की साइड जहाँ पे पॉपलीटियस फोसा होता है वहाँ पे ये शॉर्ट लिगामेंट होता है, और ये ब्लेंड करता है कैप्सूल को एंड मीडियल मेनिस्कस। सी, ये है मीडियल मेनिस्कस, और ये हमारा प्रेजेंट रहा टीबियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल मेनिस्कस के पास। और ये मॉर्फोलॉजिकली रिप्रेजेंट होता है डीजनरेटेड टेंडन ऑफ एडक्टर मैग्नस। द नेक्स्ट वन इज फिब्यूलर कोलेट। सी हियर, ये है फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट। सो ये स्ट्रॉन्ग होता है और कॉर्ड लाइक होता है, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सुपीरियरली ये अटैच होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर, इन्फीरियरली ये अटैच होता है हेड ऑफ द फिब्यूला, और मॉर्फोलॉजिकली ये फेमोरल अटैचमेंट होता है टू पेरोनियस लॉन्गस। ये हमने पॉपलीटियस फोसा में पढ़ा था ये मसल, पेरोनियस लॉन्गस। द नेक्स्ट वन इज ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट। सी हियर, ये है ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट, ये वाला। ये होता है एक्सपांशन ऑफ टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनस, और ये ऊपर की साइड लेटरली एंड ब्लेंड्स होता है, और पोस्टीरियर साइड ये कैप्सूल्स के साथ और इंटरकॉन्डाइलर लाइन ऑफ फीमर से अटैच होता है, और ये क्लोजली रिलेटेड होता है पॉपलीटियल आर्टरी एंड मिडल जेनिकुलर वेसल एंड नर्व्स। द नेक्स्ट वन इज आर्कुएट पॉपलीटियल लिगामेंट। ये शॉर्ट लिगामेंट होता है जो एक्सटेंड करता है बैकवर्ड्स मीन्स पीछे की साइड टू द हेड ऑफ फिब्यूला, और अटैच होता है पोस्टीरियर साइड इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया। द नेक्स्ट वन इज क्रूशिएट लिगामेंट। ये ज़्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग फाइबरस बैंड होता है जो मेंटेन करता है एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट, मीन्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की स्टेबिलिटी को ये मेंटेन करता है कौन, क्रूशिएट लिगामेंट। और ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया में जो गन मीन्स प्रेजेंट होता है अपवर्ड्स ऊपर की साइड, पीछे की साइड और लेटरल मीन्स बाहर की साइड, एंड अटैच होता है फीमर के साथ। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है ना, वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरकॉन्डाइलर टीबिया से, बट ये गन्स होता है अपवर्ड फॉरवर्ड, वो बैकवर्ड था ये फॉरवर्ड है, देन वो लेटरल ही था ये मीडियल ही है, सिंपल। द नेक्स्ट वन इज मेनिस्काई और सेमिलियनर कार्टिलेजेस। इसके दो फाइबर्स कार्टिलेजेस होते हैं और जॉइंट होता है अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट्स में। उसकी दो एंड्स होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और टू बॉर्डर्स होती है आउटर एंड इनर। आउटर जो होती है वो थिक कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मीन्स ये बाहर की साइड, और कॉन्केव मीन्स ये अंदर की साइड, और ये फाइबर्स होता है ये फ्री होता है, और इसका मीडियल मेनिस्कस सेमी सर्कुलर होता है, वाइडर इन फ्रंट मीन्स आगे से वाइडर होता है, पीछे से ऐसे ही होता है, और लेटरल मेनिस्कस सर्कुलर होता है। सी, मैंने डायग्राम में आपको सब बता दिया। ओके, थैंक यू गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।